हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सा इटालियन एसएपी एफआई सीओ मॉड्यूल। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। इसके साथ साथ मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल, एसएपी एक्सेल टैली का फ्री स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड होगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस तो, और साथ के साथ जो जो मैं टेम्पलेट बनाता हूँ वो सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम एसएपी में। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलेशन। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है? अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो 11th क्लास में हम सबने पढ़ा हुआ है बैंक रिकंसिलेशन। तो बैंक रिकंसिलेशन क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज ए प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शो बाय द कैश बुक एंड पासबुक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी अपना एक बैंक अकाउंट खोलती है बैंक में, तो बैंक क्या करती है, पासबुक देती है या उसकी स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करती है। इसी तरह से हम बैंक की सारी डिटेल हम अपनी कंपनी के अकाउंट्स में भी मेंटेन करते हैं कि कितना पैसा हमारा बैंक के थ्रू आ रहा है वो हम मेंटेन करते हैं, कितना जा रहा है वो भी हम मेंटेन करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस आ जाता है हमारी पासबुक और कैश बुक में, जब भी हम उसे रिकनसाइल कर रहे हैं। डिफरेंस किसी वजह से हो सकता है, वो नीचे दिए हुए मैंने, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक। सपोज आपने किसी को चेक काट दिया है बट उसने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, तो आपने तो एंट्री कर दी, आपने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर दिया बट वो बैंक से पैसे कटे नहीं, तो ये डिफरेंस आ जाता है। चेक डिपॉजिट और पेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट। आपने कोई चेक डाला है, डिपॉजिट किया है बट वो अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ आपके बैंक में किसी वजह से। तो आपने तो जैसे ही आपको चेक मिला आपने उसे अपने बैंक में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, आपने बैंक में प्लस कर दिया बट वो बैंक में प्लस नहीं हुए। इस वजह से हो सकता है चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर हो गया वही चीज। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज किया है या इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट बैंक चार्ज कोई बैंक ने काटा है, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने कोई आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिया, आपको पता नहीं है, आपकी पासबुक में तो वो प्लस हो चुका है बट आपकी जो कैश बुक है, जो आपकी कंपनी की बुक है वो उसमें जमा नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय, इंटरेस्ट मिला है या कोई कोई डिविडेंड मिला है आपको बैंक में डायरेक्टली, ठीक है। तो कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ जाता है हमारी कैश बुक और पासबुक में, तो उसी को हम रिकनसाइल करने के लिए बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है वो एसएपी में कुछ इस तरह है। सबसे पहले हमें इसमें हाउस बैंक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा हम प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हाउस बैंक क्या होता है, ठीक है। हाउस बैंक ऑफ ए योर कंपनी आर द बैंक डेट योर कंपनी हैज एन अकाउंट विद, ठीक है। इसका मतलब हो गया हाउस बैंक जिस भी कंपनी में आप, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो क्या हो गया आपका, एक तरह से आपको उसका एक हाउस बैंक बनाना पड़ेगा एसएपी में। यू कैन यूज दैम टू प्रोसेस द पेमेंट ट्रांजेक्शन, जिसका यूज आप पेमेंट ट्रांजेक्शन में करोगे। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है, दे आर असाइनिंग टू कंपनी कोड से असाइन करना पड़ता है। ईच कंपनी कोड है मल्टीपल हाउस बैंक, एक कंपनी कोड के मल्टीपल हाउस बैंक हो सकते हैं। सपोज आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन कर रखे हैं। ईच हाउस बैंक हैव ए कंपनी कोड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बैंक आईडी। एवरी अकाउंट एट ए हाउस बैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय अकाउंट आईडी। अकाउंट ये सब मैं अभी जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलेशन का प्रोसेस, तो इसके इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल है। बैंक रिकंसिलेशन इज अ रूटीन प्रोसेस टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक और कैश बुक को हम मेन रिकंसाइल मिलाने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। तो आइए अब एसएपी में हम हाउस बैंक बनाना सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम एसएपी में आते हैं। तो हम एसएपी में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, बैंक अकाउंटिंग,
बैंक अकाउंट डिफाइन हाउस बैंक इसका, ठीक है। यहां से पूछा है कंपनी कोड, इसका जो टी कोड है वो मैंने आपको दे रखा है FI 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना कंपनी कोड डाल देते हैं, हमारा कंपनी कोड क्या है, आइडिया, ठीक है, एंटर। जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है हाउस बैंक, तो यहाँ पर न्यू एंट्री है, यहाँ पर न्यू एंट्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पूछेगा हाउस बैंक, हाउस बैंक का क्या नाम देना चाहते हैं, तो हम देना चाहते हैं ICIH, ठीक है, ICI हाउस बैंक, ठीक है। उसके पूछ रहा है बैंक कंट्री कौन सी है, तो बैंक कंट्री हमारी इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है बैंक की, बैंक की क्या होती है, बैंक की बेसिकली डिटेल होती है आपके पर्टिकुलर बैंक की, ठीक है। बैंक की में क्या होता है कि आपकी सारी डिटेल होती है, आपकी बैंक का नाम क्या है, वो कहाँ पर है, उसकी ब्रांच क्या है, IFSC कोड क्या है, वो सारी डिटेल हम बैंक की में डालते हैं। तो बैंक की हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आ गया, अब यहाँ पूछ रहा है बैंक नेम, तो बैंक नेम क्या है हमारा, ICICI बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक डालते हैं, ठीक है, ICICI बैंक। रीजन क्या है, रीजन ये पूछेगा कहाँ पर है, तो हमने कहा दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली का 30 है। किस जगह है, हमने कहा यमुना बिहार में, ठीक है। सिटी दिल्ली, ब्रांच वही यमुना बिहार। IFSC कोड पूछ रहा है, हमने कहा ICICI 000 1360, ठीक है, इसको क्लिक कर, ठीक है। अब जब हम एड्रेस में जाएंगे तो ठीक है, सारी डिटेल फिल हो गई है। टेलीफोन नंबर, अगर कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम है तो आप डाल सकते हो, उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हाउस बैंक हमारा तैयार हो गया। उसके बाद आ रहा है हमारा बैंक अकाउंट, अब यहाँ पर आएगी हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल, तो अब बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू एंट्री, ठीक है। अब पूछ रहे अकाउंट आईडी, वो जो यहाँ पर, तो अकाउंट आईडी आपको एक यूनिक बनानी है, तो हमने डाल दी ICICI 1, ठीक है, तो हमने यहाँ डाल दिया ICICI बैंक अकाउंट नंबर, आपको डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर आपको जो भी मिला है वो आप डाल दो, ठीक है। अल्टरनेटिव है, करेंसी किसमें आता है, INR में, ठीक है। GL हम अभी बाद में डालेंगे, अभी हमने GL क्रिएट नहीं करा है, ये GL मैं छोड़ रहा हूँ, इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी डिटेल डालने के बाद अब हम इसे कर देंगे सेव, अब हम सीधा डायरेक्ट इसे क्या कर देंगे, अब इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा हाउस बैंक तैयार हो चुका है, बस इसमें हमने GL अभी नहीं बनाए हैं, GL बनाना मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये था प्रोसेस सिंपल हमारा हाउस बैंक बनाने का, और इसमें हमने बैंक अपनी बैंक की डिटेल एंटर कर दी है। अब हम बाहर आ जाएंगे, तो आज की वीडियो में हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ BRS बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम का, और हाउस बैंक क्रिएट करना, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे GL क्रिएशन, ठीक है, और GL इनके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम GL क्रिएट करते हैं और क्यों बनाते हैं, ये 3 GL हमने क्यों बनाए हैं, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।